तो गाइस हम लोग अभी हांगकांग एयरपोर्ट पे आ चुके हैं और अभी मैं यहाँ से अपने वतन अपने देश भारत जा रहा हूँ, दिल्ली निकल रहा हूँ हांगकांग से। कहते पैसिफिक की फ़्लाइट है, मैं फ़्लाइट में बैठने से आपको कहते पैसिफिक भी दिखाऊंगा। अभी आपको हांगकांग एयरपोर्ट दिखाता हूँ। इस लाइक ए सिमिलर टू बीजिंग है, जो आउट स्ट्रक्चर है इसका बीजिंग के एयरपोर्ट से थोड़ा मिलता जुलता है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ एयरपोर्ट। आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी रश है एयरपोर्ट पे, काफ़ी रश है। उधर सिक्योरिटी चेक इन है, डिपार्चर सब यहाँ देख रहे हैं। मेरे पीछे में देखिए आप, उधर डिपार्चर हो रहा है लोगों का। तो मैं वहाँ तक तो फिर ये यूज़ नहीं कर पाऊँगा, तो मैं सोचा आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ एयरपोर्ट। आप एक बार एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, अलमाटी के एयरपोर्ट से तो काफ़ी बड़ा है। और अभी ये सिर्फ आउटर है, अभी डिपार्चर से अंदर जाएंगे तब आपको दिखाएंगे अलमाटी। तो मतलब आउटर इनर सब में एक ही था, बट कोई नहीं। पर अलमाटी भी बहुत खूबसूरत जगह है। और हांगकांग शुरू से एक बिजनेस सब रहा है, तो इसलिए काफ़ी स्टैंडर्ड एयरपोर्ट है, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत पुराना एयरपोर्ट है। और अभी कोई नया एयरपोर्ट नहीं बनाई, टर्मिनल 1 है और टर्मिनल 1 से कहते पैसिफिक की फ़्लाइट हमारी। और अभी हम लोग बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं, बोर्डिंग कराने के मतलब बोर्डिंग तो हो चुकी है, मतलब सिक्योरिटी चेक इन कर लेते हैं, फिर अंदर का आपको मैं सारा सीन दिखाऊंगा। आप बाहर का तो बीजिंग एयरपोर्ट टर्मिनल 3 जैसा एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, थोड़ा सा हाइट वाइट अप एंड डाउन थोड़ा सा डिज़ाइन में, नहीं तो जो आर्किटेक्ट कहते हैं ना वो सेम ही है। तो बाकी अब चलिए हम सिक्योरिटी करा लेते हैं, तो अभी ये यूज नहीं करेंगे। अंदर सिक्योरिटी कराने के बाद फिर मैं आपको अंदर का सीन दिखाता हूँ, अंदर से एयरपोर्ट कैसा है। क्योंकि एयरपोर्ट जो है, खासियत ये है, पानी के बीच में एयरपोर्ट है, बड़ा मेहनत करके इन लोगों ने बनाया है और बहुत दिन से बना हुआ है, बहुत पुराना एयरपोर्ट है और यूनिक है। जब आप फ्लाइट से लैंड करते हैं तो आप खिड़की से देखेंगे तो आपको चारों तरफ समुद्र, बीच में एयरपोर्ट, तो गजब ही फीलिंग आती है। इसलिए मैंने कहा था एयरपोर्ट कुछ खास है, इसलिए मैं इसकी स्पेशल आपको वीडियो बना रहा हूँ और मैं अंदर भी आपको दिखाऊंगा क्या सीन है। तो दोस्तों बोर्डिंग वोर्डिंग हो गया है, तो बोर्डिंग के वक्त में हम ये वीडियो नहीं बना सकते थे सिक्योरिटी रीजंस है। तो अब है कि फ़्लाइट का वेट करना है और इंडिया जाना है। बाकी देखो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्या हांगकांग में सिक्योरिटी बहुत टाइट है, तो काफ़ी चीज़ें 3 बार चेकिंग होती है। जब फर्स्ट टाइम आप घुसते हैं अंदर में वहाँ पे, और आपको सब कुछ करना है, आपका पासपोर्ट खुद ही स्कैन करना है आपको, और फिर आप अंदर आएंगे। उसके बाद क्या होता है, आपका जो सिक्योरिटी हर जगह होती है पूरी दुनिया में सेम ही है, सारा लैपटॉप वगैरह डाला, फिर क्या, फिर आपका होता है इमिग्रेशन चेकअप। मतलब ये 3 राउंड तो आपको निकालने पड़ते हैं, 3 राउंड के बाद आप आराम से अब इधर आ गए हैं। और एयरपोर्ट मैंने जैसे भी बोला था कि एयरपोर्ट बहुत पुराना है पर बहुत खूबसूरत है, और एयरपोर्ट कम शॉपिंग मॉल ज़्यादा लग रहा है। काफ़ी दुकानें हैं इसमें, रोलेक्स तक की घड़ियों की दुकानें हैं एयरपोर्ट के अंदर में। तो ये खासियत है इस एयरपोर्ट की, मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी यार हांगकांग आओ ज़रूर, एक बार घूमो ज़रूर, और टेम्परेचर इसका हमेशा ऐसा ही रहता है। और यही कहना था आप लोगों से कि अगर कुछ कमी हो हमारे ब्लॉग्स में या वीडियोस में तो आप ज़रूर उसको बताएं, हम उसको दूर करेंगे। क्या होता है ना कि जब हम ब्लॉग्स बनाते रहते हैं तो उस टाइम चीज़ें याद नहीं आती क्या बताना है क्या नहीं बताना है, तो और क्योंकि फिर काफ़ी बताएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी हम लोग टर्मिनल 1 पे हैं और फर्स्ट फ्लोर पे नीचे में गुच्ची अरमानी प्राड़ा खाली सबकी शोरूम है। तो वही मैंने बोला ना, ये एयरपोर्ट कुछ खास है। वैसे तो बहुत सारे एयरपोर्ट फेमस है, मलेशिया का भी एयरपोर्ट फेमस है, सिंगापुर भी अच्छा एयरपोर्ट है, कोरिया भी अच्छा है, काफ़ी जगहों का एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा है, बट
हांगकांग आए हैं तो पहले हांगकांग की बात करें, हांगकांग का एयरपोर्ट आपको दिखाते हैं, हांगकांग का एयरपोर्ट कैसा है, आप हांगकांग का एयरपोर्ट देखें। तो दोस्तों मैंने कहा था ना कि आपको ये हांगकांग एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट कम शॉपिंग मॉल ज़्यादा लगता है। 3 फ्लोर का एयरपोर्ट है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, तीनों फ्लोर में सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स भरे हुए हैं। मतलब जो एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं, मतलब सस्ता तो कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब जो ब्रांड जैसे कि आप कह लो कि गुच्ची हो गया, अरमानी हो गया, जारा हो गया, डायर हो गया, रोलेक्स हो गया, उस टाइप की ब्रांड्स की सारी दुकानें यहाँ भरी हुई हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। मतलब आप कभी बोर नहीं होगे इस एयरपोर्ट पे। अगर खाली विंडो शॉपिंग करोगे तब भी आपका टाइम कट जाएगा। सपोज 7-8 या 10 घंटे आपको एयरपोर्ट पे रहना पड़ जाए तो सही है। इतनी सारी दुकानें हैं ना, इतनी चॉइसेस है कि खाली देख के ही मन हो जाएगा। काफ़ी दुकानें हैं और एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा है। अगर मैं एक एक दुकान को घुमाने लगूँगा आपको तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मैं यही कह रहा था कि यार हांगकांग एयरपोर्ट यूनिक एयरपोर्ट है और बड़ा अच्छा एयरपोर्ट है। बाकी आप लोग हांगकांग आओ, घूमो, और हांगकांग आने से पहले कुछ चीज़ें याद रखें। वीज़ा इंडिया से ही लें, ऑन अराइवल नहीं है। प्री अराइवल वीज़ा का फॉर्म होता है, वो भरें और तब आएँ, है ना। बाकी आप देख लो, जिधर भी देखो उधर ही दुकान। अभी मैं इधर भी जा रहा है, हर जगह ही है, सारा कुछ है। और आप शॉपिंग करते करते थक जाओगे, इसलिए आप बहुत सारे पैसे लेके आओ और यहाँ पर उड़ाओ। बाकी आपका मन, और भाई का चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो कि भाई आपके लिए इसी तरह से कई सारी वीडियो बनाते रहे, है ना। तो रात अब काफ़ी हो चुकी है, अब हम भी अपने फ्लाइट का वेट कर रहे हैं क्योंकि अब टाइम होने को है। तो अब हम आपको कहते हैं पैसिफिक का अगर दिखा पाए तो दिखाएंगे आपको ज़रूर कि कैसा एयरलाइन है अंदर से। और हमारे साथ बने रहोगे तो हर चीज़ को देखोगे यार। देखो जैसे एयरप्लेन फ्लाइट से लेके कंट्री से लेके फिर वहाँ की लोकल लाइफ में, मैं हर चीज़ को एक्सप्लोर करूँगा आप लोग के सामने, तो आप लोग को पता चलेगा कि हाँ ऐसी भी चीज़ें हैं। तो आप बस भाई के साथ बने रहो।